तो क्या स्मृति ईरानी के खिलाफ साजिश रची जा रही है? क्या कांग्रेस स्मृति ईरानी से कोई सियासी बदला ले रही है? सारे के सारे कांग्रेसी स्मृति ईरानी के पीछे आखिरकार हाथ धोकर क्यों पड़ गए हैं? क्या कांग्रेस अब स्मृति ईरानी और उनकी बेटी से माफी मांगेगी? जानते हैं क्यों? क्योंकि लगता है कि स्मृति से पंगा लेना कांग्रेसियों को भारी पड़ रहा है, क्योंकि कल तक जो कांग्रेस के दिग्गज जयराम रमेश और पवन खेरा स्मृति ईरानी और उनकी बेटी पर सवाल उठा रहे थे, लगता है उनके लिए सर मुंडवाते ही ओले पड़ गए। जी, ये कहावत इसलिए क्योंकि मानहानि के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेता जयराम रमेश, पवन खेड़ा और इसके साथ साथ नेटा डिसूजा को सम्मन जारी कर दिया है और आदेश दिया है कि ईरानी और उनकी बेटी के खिलाफ लगे आरोपों को लेकर सोशल मीडिया पर जो जो पोस्ट किए, ट्विटर पर रीट्वीट हुए पोस्ट, वीडियो और फोटो जो लगाए गए, उसे अगले 24 घंटे के भीतर जल्द से जल्द हटा दें। जी, ये आदेश समूची कांग्रेस के लिए किसी सदमे से कम नहीं है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अगर ये नेता 24 घंटे के भीतर उनके निर्देशों का पालन करने में विफल रहते हैं तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब को सामग्री से हटाना होगा। सम्मन जारी होने के बाद जयराम रमेश ने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने हमें स्मृति ईरानी द्वारा दायर मामले का औपचारिक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। हम अदालत के सामने तथ्यों को पेश करने के लिए उत्सुक हैं। हम ईरानी द्वारा दी जा रही स्पिन को चुनौती देंगे और खारिज करेंगे। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि जोयश ईरानी गोवा में अवैध बार चला रही हैं, जिसके बाद से ही पूरा बवाल शुरू हुआ। बकायदा कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया था कि लाइसेंस सिर्फ रेस्टोरेंट रेस्तरा चलाने के लिए मिला था, लेकिन ईरानी की बेटी ने अपने राजनीतिक दबदबे का इस्तेमाल किया। दरअसल कांग्रेस के जोयश पर लगाए जाने वाले इल्जाम एक आरटीआई पर आधारित थे। ये आरटीआई गोवा के आयरस नाम के कार्यकर्ता ने डाली थी। आयरस वही है जिन पर 2017 में एक महिला ने यौन शोषण तक के आरोप लगाए थे। आयरस ने ही अपनी आरटीआई के नाम पर गोवा के सिली सोल कैफे एंड बार पर झूठ फैलाना शुरू किया, ऐसे आरोप हैं। तो क्या कांग्रेस ने वाकई में स्मृति की बेटी के चरित्र पर सवाल उठाने का गुनाह कर दिया? और क्या वाकई में अमेठी की राहुल और स्मृति की सियासी जंग अब सियासी बदलापुर में तब्दील हो चुकी है? क्योंकि सदन में सोनिया के साथ स्मृति ईरानी की नोकझोंक भी इसी बात की तस्दीक कर रही है कि ये लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक नहीं रह गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।